नमस्कार, मैं हूँ राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हमारे साथ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी हैं। उनसे बात करते हैं कि प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है और किस तरह से छत्तीसगढ़ में आरोपों का जो दौर है फिर एक बार चालू हो गया है। आइए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, क्या देख रहे हैं वो कि किस तरह की राजनीति चल रही है इस समय छत्तीसगढ़ में। जी, जब जिले का नोटिफिकेशन हुआ, मेरे पिताजी भी उस समय हमारे बीच में थे। पसान को जीपीएम जिले का हिस्सा बनाया गया था, उसको क्यों अलग कर दिया गया? पसान अगर जीपीएम में रहेगा, पर्याप्त खनिज का भंडार है वहाँ पे, पसान का भी विकास होगा, गौरेला का भी होगा, पेंड्रा का भी होगा, मरवाही का भी होगा। और आज जो हम लोग यहाँ रहते हैं, पसान को कभी हमने गौरेला पेंड्रा से अलग माना ही नहीं है। आधे से ज़्यादा जो यहाँ शादियाँ होती हैं उसी इलाके में होती हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने, इलाज कराने। तो बड़ी गंभीरता से, और इसके लिए अगर हम लोगों को कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़े, तो पसान को जीपीएम में शामिल जब तक नहीं किया जाएगा, ये जिला इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बन पाएगा। गोलौंदा बाजार हिंसा की बात करें तो लगातार फिर आक्रोश जाग रहा है, समाज कुछ का बोल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, क्या देख रहे हैं, किस तरह का हादसा था ये, किस तरह घटना थी गोलौंदा बाजार? ये एक समाज विशेष को बदनाम करने की साजिश रची गई है। मैंने खुद वीडियो देखा, कई वीडियो देखे, जो लोग का समाज से दूर दूर तक वास्ता नहीं था वो मंच पर बैठे थे, वो कलेक्ट्रेट पे आगजनी कर रहे थे, गाड़ियां जला रहे थे। एक साजिश है जिसमें समाज का कोई रोल नहीं है, और उन लोगों को अभी तक क्यों बचाया जा रहा है, ये मेरी समझ से परे है। और साथ ही इस समाज के साथ, चाहे भूपेश बघेल की सरकार रही, चाहे अभी वर्तमान भाजपा सरकार हो, उस समय धर्मपुरा जैसे कांड हुआ करते थे, अब अमर गुफा में कांड हो रहे हैं, और कार्रवाई करने की जगह दोनों मामलों में लीपापोती की गई। ऐसे में समाज में जो आक्रोश है वो स्वाभाविक है, और सरकार को इस आक्रोश को ख़त्म करने के लिए समाज का विश्वास जीतने का काम करना पड़ेगा, ना कि उन्हें विलन बताने का। मेरी सरकार से यही मांग है कि बलौदा बाजार जिला जो है वो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की कर्म भूमि, जन्म भूमि, मातृभूमि रही है, इसीलिए बलौदा बाजार जिले का नाम छत्तीसगढ़ के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर होना चाहिए। बलौदा बाजार हादसे को लेकर क्या जनता कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, क्या कुछ आप भी समाज के लोगों के साथ जाएंगे, सरकार का विरोध करेंगे, क्या कुछ रणनीति होगी? मैंने तो यही कहा है कि भाई जब तक वाजपेयी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती, सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, वो जांच कर रही है, तब तक गिरफ्तारियों पर रोक लगनी चाहिए। और अधिकांश लोग, अब लगभग 200 लोगों को अंदर भेज दिए हैं, अधिकांश लोग उस समय उस जगह थे ही नहीं, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर अंदर किया जा रहा है, उन सब की निशर्त रिहाई होनी चाहिए। एक आरोप भी लगा कि अमित जोगी बोले थे हम धरने पे बैठेंगे पर कुछ किए नहीं। जी, धरने पे मुझे बैठना था, पर इसी बीच मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया कि मेरे बेटे का एक उसकी बीमारी है, एक उसके डॉक्टर बम्बई आए थे तो मुझे बम्बई जाना पड़ा, और फिर उसका ट्रीटमेंट अभी, मतलब उसका स्कूल चालू हो गया है, वो इसी हफ्ते
मतलब स्कूल जाना चालू किया है, हम लोग अभी तक बाहर ही उसके इलाज में थे। आगे क्या बैठेंगे क्या धरने में कि कुछ करेंगे? करेंगे, इसमें करेंगे, और धरना भी होगा, आंदोलन भी होगा, और सबको न्याय मिलेगा। चरणदास महंत कहते हैं कि जो नक्सली मारे जा रहे हैं वो ग्रामीण आदिवासी हैं, जिनको फंसाया जा रहा है भरमूर बंदूक रखकर। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में भरमार बंदूक है जिसको रख दिया जाता है और साबित किया जाता है कि नक्सली है। क्या मानते हैं, किस तरह बयान है ये? देखिए, वो किसी भी जनरलाइजेशन के बारे में, मतलब उससे मैं सहमत नहीं हूँ। कोई एक पर्टिकुलर अगर घटना का वो उल्लेख कर रहे हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, पर हाँ इतना जरूर है कि भूपेश सरकार आई, उन्होंने कहा था कि जितने भी नक्सली धारा में बंदी हैं, गरीबों को उठा लिया जाता है नक्सली बता के जेल में डाल दिया जाता है, उनके पास पैसे नहीं है कि एक अच्छा वकील भी कर पाएं, पेशी पे पेशी चलती है, चलान नहीं आते हैं, तो ऐसे सभी बंदियों को निशर्त एमनेस्टी दे के रिहा किया जाएगा। आखिरी 5 साल क्या किया, बंदियों की संख्या कम नहीं हुई और बढ़ गई, डबल हो गई, और अभी भी बस्तर में जो लोग वहां पर अडानी की खदान का विरोध कर रहे हैं, जो लोग वहां पर निको को वहां खदान बेच दी गई निको कंपनी का उसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग NMDC नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेश की इसको ना बेचा जाए उसका विरोध कर रहे हैं, यही लोग नक्सली बन जाते हैं। आपने इनके जो एजेंडा है कि पूरा देश अडानी अंबानी को बेच देना है, और इस एजेंडे पे भूपेश सरकार भी चली थी और ये सरकार तो खैर चलनी ही है उस एजेंडे में, और जो उसका विरोध करेगा उसको नक्सली बता दिया जाएगा। आखिरी सवाल, कानून व्यवस्था की बात करें तो क्या देख रहे हैं लगातार प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से कानून व्यवस्था चल रहा है शायद सरकार में? प्रशासनिक कंट्रोल नहीं है सरकार का, और इसका प्रमुख कारण यह है कि जो लोग जवाबदार पदों में बैठे हैं जब वो स्वयं ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो किसको कंट्रोल करेंगे जब सबके हफ्ते बंधे हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक? तो तब तक व्यवस्था नहीं सुधरनी है। अरे भाई, हिम्मत है आपका ही, मध्य प्रदेश के जो CM है आपकी पार्टी के, एक नंबर जारी करिए, आप देखिएगा वो नंबर, मतलब जारी करेंगे वो बजना मतलब बंद नहीं होगा, इतनी शिकायतें आएंगी, और फिर आप एक्शन लें। ये हमारे साथ जनता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी थे जो बता रहे थे कि पूरा सिस्टम ही जब करप्ट है तो किस तरह से कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, पेंड्रा।